नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये स्पेशल सीरीज। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विषय के ऊपर। हम 1757 से लेके 1947 तक के भारत की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर यहाँ पर दृश्य डालने की कोशिश करेंगे। आपको 1707 से शुरू करना पड़ेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि 1707 एक बैकग्राउंड बनता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसे मुगल एम्पायर, जो 1526 से बाबर के भारत आने से शुरू होता है और 1707 में पूरी कैपेसिटी पर होता है, उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कैसे ये एम्पायर गिरने लगता है, कैसे इसके शासक एकदम कमजोर होने लगते हैं और कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका मिल जाता है कि वो भारत में आकर यहाँ के रेवेन्यू को कंट्रोल कर सके, यहाँ के धन को संभाल सके, साथ ही साथ यहाँ के लॉस के साथ छेड़छाड़ कर सके। तो हमें सबसे पहले समझना है 1757 की बैटल ऑफ प्लासी से पहले हमें पीछे चलना होगा 1707 में, जब 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के खिलाफ सिख भी थे, मराठा भी थे, जाट भी थे और बहुत सारे छोटे छोटे हमें युद्ध भी देखने को मिलते हैं मुगल की आर्मी के बीच में और मराठाओं के बीच में, साथ ही साथ सिखों के बीच में और उसके बाद जाटों के बीच में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब जब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो उसके बाद उसी के जो बच्चे होते हैं वो आपसी संघर्ष में इस एम्पायर को और कमजोर कर देते हैं, मुगल सल्तनत और कमजोर होने लगती है और कमजोर होते होते 1757 और उसके बाद 1765 में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एकदम कमजोर हो जाती है और बंगाल की जो प्रोविंस है उस पर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सत्ता कब्जा दायर कर लेती है। इसके बाद हम आगे हम जब चलेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश की पार्लियामेंट से कुछ लॉस पारित किए जाते हैं जिससे भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है उसे ब्रिटिश ओवरसाइट कर सके। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कैसे ब्रिटिश सारी जो लोकल पावर्स हैं उन्हें खा लेती है, जैसे मराठाओं को। उसके बाद अंत तक आते आते कैसे जब ब्रिटिश की भूख नहीं मिटती है तो कैसे अंत में सिखों के ऊपर कब्जा किया जाता है, 1856 आते आते अवध के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाता है। बहुत सारी पॉलिसीज को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो शुरू की गई थी, सब्सिडरी अलायंस को भी हम कवर करेंगे और कैसे 1858 में ब्रिटिश का जो क्राउन है वो डायरेक्टली भारत की गवर्नेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। उसके बाद कैसे 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किए जाते हैं, 1891 में दोबारा इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया जाता है, उसके बाद 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसके बाद 1919 का जो एक्ट बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और अंततः और 1947 का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो एक्ट अंततः भारत को मिलता है। तो ये सब चीजें हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। हम यहाँ पॉलिटिकल मुद्दों को भी समझेंगे, सोशल मुद्दों को भी समझेंगे, रिलीजियस मुद्दों को भी समझेंगे और आज के साथ हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आज जो भारत का पॉलिटिक्स है, जो भारत का सोशियो कल्चर इकोनॉमिक्स जो चीजें हैं वो कैसे पास्ट से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो आपको कल अपने डिवाइसेस के ऊपर मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइस पर हर वक्त पा सकें। धन्यवाद।